एटा में भारत के संविधान को जलाने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। एटा में सोशल मीडिया पर भारतीय संविधान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी एवं भारतीय संविधान की किताब को जलाने ते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीम आर्मी और दलित चिंतक संगठन के कार्यकर्ता इस आरोपी की 26 घंटे में गिरफ्तारी कर जेल भेजने के लिए एटा पुलिस की सोशल मीडिया पर कर रहे हैं जमकर प्रशंसा। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी चंद्रशेखर को ट्रेस कर लिया और किया गिरफ्तार। एटा की सटीक पुलिस ने आरोपी चंद्रशेखर पुत्र सरमन निवासी मुबारकपुर सराय थाना सटीक से किया गिरफ्तार। शातिर आरोपी ने भारत के संविधान को जलाकर एटा पुलिस के ट्वीट हैंडल पर भी किया था ट्वीट। भीम आर्मी सहित अन्य दलित संगठनों को भारत ने संविधान को जलाने से रोकने के लिए दे रहा था धमकी। वीडियो में आरक्षण की श्रेणी में आने वाले दलित लोगों का जाति सूचक नाम लेकर कह रहा था अभद्रता। थाना सभी पुलिस के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर भेजा जेल। रिपोर्टर आरवी द्विवेदी एटा। क्या घटना करी आपने? अपने समाज के विरुद्ध गलत बोला है और संविधान से खिलवाड़ किया है, लेकिन मैंने संविधान नहीं जलाया है, मैंने कूड़े में आग लगाई है। मैं देशवासियों से क्षमा चाहता हूँ, शासन प्रशासन से। मैंने संविधान से छेड़छाड़ जरूर की है, लेकिन आग नहीं लगाई है, कूड़े में ही आग लगाई है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने ऐसा क्यों बोला? सर, कुछ पीने खाने में कुछ हो गया, मानसिकता कमजोरी की वजह से ऐसा हो गया हमारे साथ। इस वजह से हमारे साथ ये हो गया।